ये है iOS 17 और ये है iOS 18। iOS 17 से iOS 18 को और भी ज्यादा बढ़िया और स्मार्ट बना दिया गया है, पर मैं चश्मे के पहले भी वैसे ही था और चश्मे के बाद भी वैसे ही हूँ। WWDC 2024 जो कि हर साल एक एप्पल का इवेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और इस इवेंट में काफी सारी चीजों को शोकेस किया जाता है और इस बार भी काफी सारी चीजों को इसमें शोकेस किया गया है, जैसे विजन ओएस, iOS 18, iPad OS 18, वॉच ओएस, मैक ओएस सिकोया और एयरपोर्ट्स में भी काफी सारे चेंजेस आएंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। और सीरी को भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। और सबसे बेहतरीन चीज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस, इस बार उसको भी शोकेस किया गया है। तो इन सारी चीज के बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल में बताने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, घंटों की वीडियो बन जाएगी। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या क्या चीजों को इसमें शोकेस किया गया WWDC 2024 में, और मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग अलग पे, जैसे iOS 18 पे, iPad OS 18 पे, AI पे, मतलब एप्पल इंटेलिजेंस पे, फिर उसके बाद मैक ओएस सिकोया पे भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अलग अलग वीडियोस देखने के लिए, और मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजन ओएस के बारे में। जैसा कि विजन प्रो हाल ही में लॉन्च हुआ है और विजन प्रो में काफी ज्यादा चेंजेस लाने बाकी थे, तो इस बार विजन ओएस के लिए काफी ज्यादा चेंजेस लाए गए हैं और इस इवेंट में इसको दिखाया गया कि क्या क्या नए नए चेंजेस आएंगे। अब आप अपने फोटोज को 3D में देख सकते हो, जैसे पहले फीचर था कि आप अपने फोटो को स्टिकर बना सकते हो, वैसे ही अब फीचर आया कि आप अपने फोटो को 3D में देख सकते हो विजन प्रो की मदद से। और इसमें अब आपको बहुत सारे अलग अलग जिस्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, पहले बहुत ही कम जिस्टर्स देखने के लिए मिलते थे, और इसमें आप अब माउस को भी कनेक्ट करवा सकते हो। फिर उसके बाद आप अपने मैकबुक की तरफ देखोगे तो आपका मैकबुक आपके विजन प्रो से कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने मैकबुक की डिस्प्ले को बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, आप छोटा साइज में रखना चाहो तो छोटा साइज रख सकते हो, बड़ा चाहो तो बड़ा रख सकते हो, या तो आप एक कर्व मॉनिटर बना सकते हो। तो ये काफी मस्त है और दिखने में ये जो चीजें लग रही हैं काफी इमेजिनेशन टाइप लग रही हैं, बट ये रियल चीजें हैं। और आप अपने मैकबुक को एक बड़ी कर्व डिस्प्ले में चेंज कर सकते हो विजन प्रो की मदद से। फिर उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ चेस वगैरह खेल सकते हो, जैसे लगेगा कि आपके सामने वो बैठा है। फिर उसके बाद बहुत सारी फोटोज को आप दिखा सकते हो और सामने वाला बंदा भी आपकी फोटोज वगैरह को देख सकता है, ऐसा लगेगा कि आप सामने बैठ के फोटोज वगैरह देख रहे हो। तो ये काफी मस्त मस्त से फीचर अब लाए जा रहे हैं विजन प्रो में। फिर एक और फीचर आ रहा है इमर्सिव वीडियो का, मतलब आप एक वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप उस वीडियो में प्रेजेंट हो, मतलब आप वहीं खड़े हो या वहीं बैठे हो, आपको ऐसा फील होगा, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने कोई VR हेडसेट लगाया है या विजन प्रो लगा रखा है, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फील होगा। तो ये भी नया फीचर ऐड किया जाएगा विजन प्रो में। फिर इसके बाद बात करते हैं iOS 18 के बारे में, जिसके लिए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि क्या क्या चेंजेस आएंगे iOS 18 में। तो बात करते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में। अब आप अपने आइकन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और उसको जहां मर्जी प्लेस भी कर सकते हो, जैसे आप नीचे चाहो तो नीचे प्लेस कर सकते हो, ऊपर चाहो तो ऊपर प्लेस कर सकते हो, आप इधर उधर कहीं भी अपने आइकन्स को प्लेस कर सकते हो। इसके बाद आप अपने आइकन्स को डार्क मोड पे भी रख सकते हो, मतलब आपका आइकन काफी अच्छा दिखेगा। इसके बाद आप अपने आइकन्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, आप जो मर्जी कलर रख सकते हो, मतलब आपके फोन में जो आपके वॉलपेपर के हिसाब से अच्छा आइकन दिखेगा जो कलर चूज करने के बाद वो आप चूज कर सकते हो और आपका फोन काफी ज्यादा मस्त दिखेगा। फिर इसके बाद कंट्रोल सेंटर में भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, आपको अब काफी डिफरेंट सा कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलेगा और इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और पहले हमें सेटिंग में जाके कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ते थे, अब यहीं से डायरेक्ट आप इसमें सारे आइकन्स को ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। और इसमें आपको अब 3 लेयर्स में ऑप्शन मिलते हैं, आप स्वाइप अप करके इसको चेंज करके देख सकते हो और काफी अच्छा इसका एनिमेशन है और काफी बढ़िया सा दिख रहा है। आप म्यूजिक देख सकते हो, उसके बाद आप रिमाइंडर वगैरह सेट करोगे वो भी देख सकते हो, आप अपने हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद जब लॉक स्क्रीन रहती थी तो हमें सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते थे, एक फ्लैश का ऑप्शन मिलता था, एक कैमरे का ऑप्शन मिलता था। अब आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, आप फ्लैश की जगह कोई रिमाइंडर ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो, कैमरे की जगह आप स्नैपचैट यूज कर सकते हो, मतलब इस आइकन को भी आप अब बदल सकते हो अपने हिसाब से लॉक स्क्रीन में ही। फिर इसके बाद एक और नए फीचर को ऐड किया गया है, टेक्स्ट इफेक्ट। अब आप अपने टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं मैसेज के दौरान, अगर आपको बोल्ड लिखना है तो आप कुछ वर्ड को बोल्ड में लिख सकते हो, या तो आपको अलग सा एनिमेशन चाहिए उस वर्ड में तो आप वो भी लिख सकते हो। आप अपने वर्ड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से, जैसे आप SMM लिखते हो उसमें भी आप अलग से एक एनिमेशन डाल सकते हो, जैसे AYY लिखते हो उसमें भी आप अलग से एनिमेशन डाल सकते हो। तो ये अलग अलग चीजें आपको मिलती हैं अपने एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। फिर उसके बाद सबसे बेहतरीन फीचर जो अब तक एप्पल में नहीं था और सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे, वो है ऐप लॉक। अब आप अपने ऐप को लॉक भी कर सकते हो और अपने ऐप को हाइड भी कर सकते हैं। ये चीजें एंड्रॉइड में काफी पहले से थी बट इसमें अब आ गई हैं।
बट इसमें एक दिक्कत है, जब आपके फोन का पासवर्ड किसी को पता होगा तो सारे ऐप आपका खोल सकता है और यहाँ तक कि आपके हिडन ऐप्स को भी देख सकता है। अगर एप्पल पर्सनल ऐप लॉक के लिए अलग सा पासवर्ड सेट करने के लिए दे दे तो सबसे बेस्ट फीचर होगा ये। जैसे अगर आप व्हाट्सएप लॉक करते हो तो जो आपका पासकोड होता है, मतलब जो आप फोन जिसे अनलॉक करते हो वही सेम पासकोड यूज होता है व्हाट्सएप अनलॉक करने के लिए। अगर यही सेम चीज ऐप लॉक में भी आ गई तो बेकार सी है। अगर आपके फोन का पासकोड किसी को पता है तो सारे ऐप आपके खोल सकता है और देख सकता है और हिडन ऐप भी खोल सकता है देख सकता है। तो अगर एप्पल ऐप लॉक के लिए अलग से पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन देता है तो ये काफी बढ़िया फीचर होगा। अगर सिंपली अगर ऐप लॉक के लिए देता है कि अगर आप फेस आईडी से खोलो और अपने पासवर्ड से खोलो तो ये फीचर बेकार है। अगर आपके फोन का पासवर्ड किसी को पता है तो सारे ऐप देख सकता है और हिडन ऐप भी देख सकता है, जो मुझे काफी फालतू सा लगता है। जैसे व्हाट्सएप काफी टाइम खुल जाता है, रिसेंट डिलीट खुल जाता है, हिडन फाइल्स भी खुल जाती हैं अगर आपको फोन का पासवर्ड किसी को पता है तो। अलग अलग पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए एप्पल को कि हिडन ऐप्स के लिए अलग पासवर्ड हम सेट कर सके। तो देखते हैं कि ये फीचर आता है या पहले जैसा ही रहता है। फिर इसके बाद अब एक ऑप्शन मिलता है आपको सैटेलाइट मैसेजिंग का, जो कि इन टू इन इनक्रिप्टेड होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं एयरपॉड्स के बारे में। अब एयरपॉड्स में आपको वॉइस आइसोलेशन का फीचर मिलेगा, जैसे आईफोन्स में होते थे कि अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो और आपके आसपास काफी ज्यादा नॉइस है तो आप अपने आईफोन को वॉइस आइसोलेशन में शिफ्ट करते थे तो पूरा बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल हो जाता था, सिर्फ आपकी आवाज जाती थी। और ये फीचर काफी मस्त था, मैं भी हमेशा यूज करता था इसको। जब भी मैं मेट्रो में या ट्रेन में या बस में होता हूँ तब भी मैं यूज करता हूँ, और ऐसे भी नॉर्मली जब फैन वगैरह चलता है तब भी मैं यूज करता हूँ, और फैन की नॉइस बिल्कुल नहीं जाती और बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं जाती, आपकी आवाज काफी क्रिस्टल क्लियर जाती है सामने वाले को। और ये फीचर अब आपको एयरपॉड्स में भी देखने के लिए मिलेगा। अब एयरपॉड्स से आप बात कर सकते हो वॉइस आइसोलेशन के साथ और आपकी आवाज काफी क्लियर जाएगी सामने वाले को। फिर उसके बाद इसमें आपको डिस्चार्ज भी मिल जाता है अगर किसी का कॉल आ रहा है, और सीरी अनाउंसमेंट तो करता ही है कि कॉल फ्रॉम मम्मी या पापा जो भी हो, अगर आपको जिसका कॉल आ रहा है उसका अनाउंसमेंट करता है, तो अगर आप अपने मुंडी को शेक कर दोगे मतलब मींस नो तो वो कॉल कट कर देगा। फिर उसके बाद अगर यस कर देते हो, अपनी मुंडी को शेक कर देते हो, यस कर देते हो, तो वो कॉल को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये काफी मस्त है, आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है या तो टैप करने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा सिर्फ अपनी मुंडी को हिलाने से। तो ये भी काफी बढ़िया सा फीचर है। वीडियो काफी लंबी हो जाती है जिसकी वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और मैं बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 ले आऊंगा जिसमें की आगे के सारे फीचर्स मैं आपको बता दूंगा।